हेलो फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन है मैक फॉस। हम लोग मैक ग्रुप को देख रहे हैं। मैक म्यूर और मैक कार्प की वीडियोज ऑलरेडी बनी हुई है, आप लोग देख लेंगे। मैक फॉस के पेशेंट जो है लेमेंट्स ऑल टाइम अबाउट द पेन, हमेशा पेन के बारे में सोचते रहते हैं। पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। इनएबिलिटी टू थिंक क्लियर, इनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मैक फॉस जो है ग्रेट एंटी स्पाजमोटिक रेमडी है, ठीक है। कहीं पर भी अगर स्पाज लग रहे हैं या फिर क्रैम्प लग रहे हैं मसल्स के जो कि रेडिएट हो रहे हैं, उसमें हम लोग मैक फॉस को सोच सकते हैं। तो ये मैंने लिखा है द ग्रेट एंटी स्पाजमोटिक रेमडी, क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स विथ रेडिएटिंग पेन। जो इसका पेन है न्यूरोलॉजिक पेन है, रिलीव बाय वार्म्थ, यानी गर्म चीज़ों से इनके पेन में आराम मिलता है दोस्तों। इसलिए मैक फॉस के ऐसे याद कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। मैक फॉस के हर एक पेन वॉर्म से आराम मिलता है, यानी गर्म चीज़ों से आराम मिलता है। हेडेक हो, न्यूरलजिया हो, आई पेन हो, ईयर पेन हो, डिसमिनोरिया हो, कोई भी पेन हो, गर्म चीज़ों से आराम मिलेगा और ठंडे से एग्रेवेट होगा। प्रेशर से भी आराम मिलता है कुछ कुछ पेन। तो मैक फॉस इसलिए भी है, तभी आपके दिमाग में आनी चाहिए जब कोई बोले कि गर्म चीज़ों से आराम मिलता है, सिकाई करते हैं तो आराम मिलता है। इसलिए डिसमिनोरिया की टॉप मेडिसिन में रखा गया मैक फॉस को। स्पाज्म लगते हैं, क्रैम्प लगते हैं और शिकाई करने से आराम मिलता है, तो मैक फॉस हम लोग सोचते हैं, ठीक है। तो एंटी स्पाजमोटिक रेमडी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्रैम्प्स लगते हैं, मसल्स में क्रैम्प लगेंगे, खिंचाव महसूस होगा, न्यूरोलॉजिक पेन होगा और गर्म चीज़ों से आराम मिलेगा, ठीक है। डिसमिनोरिया में बहुत ज़्यादा यूज होती है। डिसमिनोरिया में बेलाडोना हाई पोटेंसी में अगर आप यूज करें, अगर बहुत इंटेंस और वायलेंट पेन हो रहा हो, तो बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। जितना मैक फॉस में लिखा हुआ है उतना मतलब काम करना चाहिए, रिजल्ट वैसा मिलता नहीं है। वर्टिगो ऑन मूविंग, ठीक है, मूव करने से, चलने फिरने से चक्कर आ जाता है। फॉलिंग फॉरवर्ड ऑन क्लोजिंग आई और आँखें बंद कर देने से आगे की तरफ गिरने की टेंडेंसी होती है। बेटर वॉकिंग इन ओपन एयर, और ओपन एयर में चलने से इनको आराम मिलता है, ठीक है। तो वर्टिगो ऑन मूविंग, फॉल फॉरवर्ड्स ऑन क्लोजिंग आई, बेटर वॉकिंग इन ओपन एयर। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, अगर किसी को चक्कर आ रहे हो और आगे गिरने की टेंडेंसी हो क्लोजिंग आई से, तो याद रखिएगा। आँखों में सुप्रा ऑर्बिटल पेन होता है जो कि राइट साइडेड होता है। रिलीफ बाय वार्म्थ अप्लाइड एक्सटर्नली, गर्म चीज़ों से सिकाई करने से, वाफ स्टीम से सिकाई करने से उसको आराम मिलता है। अगर कोई फीमेल आ रही हो और उसके आँखों में दर्द हो रहा हो और यूँ गर्म चीज़ों से यानी कि कुछ पट्टी करके बार बार फूंक लगा के सिकाई कर रही है उसकी, तो आप समझ जाइए मैक फॉस बहुत जल्द काम करता है। इसमें मैं दिया हूँ, सुप्रा ऑर्बिटल पेन हो और गर्म चीज़ों से अगर आराम मिले तो मैक फॉस। अगर कहीं भी गर्म चीज़ों से आराम मिल रहा हो, अगर वो पेन है, खास करके अगर एक्यूट है, तुरंत आपको एज ए पैलिएटिव देना है, तो मैक फॉस अच्छा काम कर जाती है। बहुत पुराना होता तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल की तरफ जाना होगा, हर एक चीज़ देखना होगा, कॉज देखना होगा। लेकिन अगर ऐसे है तो ऐसे कंडीशन में आप मैक फॉस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आँखों में दर्द हो, वर्टाइगो हो, वर्टाइगो ऑन मूविंग हो, फॉलिंग फॉरवर्ड्स जब आँखों को बंद करता है क्लोजिंग आए, तो ऐसे जगहों पे आप सोच सकते हैं और ओपन एयर में जाने से इनको आराम मिलता है, ठीक है। आँखों वाला पॉइंट मिल जाएगा, पेशेंट में अक्सर आँख दर्द होता है, न्यूरलजिया होता है, वो सिकाई करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टीम से सिकाई करते हैं, गर्म चीज़ों से सिकाई करते हैं, तो उनको आराम मिलता है। सीवियर न्यूरोलॉजिक पेन ओस बिहाइंड राइट ईयर, राइट साइडेड वैसे मेडिसिन है, मैक फॉस राइट साइडेड होती है, तो जो न्यूरोलॉजिक पेन है वो राइट साइडेड है, कान के पास है, और एग्रेवेटेड बाय गोइंग इनटू कोल्ड एयर एंड फेसिंग एंड वॉशिंग फेस, ठीक है। यानी कि जब मुंह को धुलोगे तो वैसे भी ठंडा लगेगा, जिसके वजह से एग्रेवेट होगा, ठीक है। तो ठंडे जगहों पे जाने पे इनका न्यूरोलॉजिक पेन एग्रेवेट होगा। सारी बात आप ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट में कहीं का भी पेन हो, गर्म चीज़ों से आराम मिलेगा, ठंडी चीज़ों से एग्रेवेट होगा। बस आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, मैक फॉस ख़त्म हो जाएगा। सीवियर न्यूरोलॉजिक पेन ओस बिहाइंड राइट ईयर, राइट साइडेड है और ठंडे जगहों पे जाने से एग्रेवेशन है। पूरे मैक ग्रुप टूथेक की अच्छी मेडिसिन है मैक फॉस। दांत दर्द होता है, बेटर बाय हीट एंड हॉट लिक्विड्स, ठीक है। सिकाई करने से या गर्म पानी से कुल्ला करने से अगर किसी को दांत दर्द में आराम हो, तो आपके दिमाग में मैक फॉस ज़रूर आना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं, टूथेक बेटर बाय हीट एंड हॉट लिक्विड्स।
ठीक है। तो अगर कोई बोले कि ठंडी चीज़ों से दिक्कतें बढ़ रही हैं, कुछ भी ठंडा खाया नहीं जा रहा, एकदम से यूं पेन हो रहा है, लेकिन गर्म चीज़ों से आराम मिल रहा है, तो आप एक बार मैकफॉस को ज़रूर सोचिए, ठीक है। तो न कहीं का भी न्यूरोलजिया हो, गर्म चीज़ों से आराम मिलेगा, इवन टूथेक में भी गर्म चीज़ों से आराम मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये हिकअप की बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप थेरेप्स के रूप में दे सकते हैं, जिसको हिचकी आती है, हिकअप के साथ रैक्चिंग हो डे एंड नाइट, ठीक है, दिनों रात घंटों से हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर मैकफॉस को याद करेंगे। थ्रस्ट फॉर वेरी कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ठंडे चीज़ों की इनकी थ्रस्ट होती है, ठीक है। इंट्रेलजिया रिलीफ बाई प्रेशर, यानी कि कोलिक हो रहा हो, एब्डोमेन में पेन हो रहा हो और प्रेशर से आराम मिलेगा। फ्लैचुलेंस हो सकता है, फ्लैचुलेंस कोलिक, फोर्सिंग पेशेंट टू बेंड डबल अप, लाइक कोलोसिंथ, कोलोसिंथ का पेशेंट भी डबल अप होता है, इसका भी पेशेंट डबल अप होता है। रिलीफ बाय रबिंग, यानी कि दबाने से, प्रेशर से, गर्म चीज़ों से, वार्म से आराम मिलता है, ठीक है। एकॉम्पनीड विद बेल्चिंग ऑफ गैस, पेट दर्द हो रहा है और खूब गैस निकल रहा है, खूब डकार आ रही हैं, पेशेंट डबल अप हो रहा है, पेट पकड़ के दबाने की कोशिश कर रहा है, गर्म चीज़ों से सिकाई कर रहा है, तब जाके उसे थोड़ा बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन जो डकार आ रही है, बिल्चिंग ऑफ हो रही है, उससे पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, विच गिव नो रिलीफ। यानी कि पेट दर्द हो रहा हो, प्रेशर से आराम हो रहा हो, डबल बेंड से आराम हो रहा हो, गर्म चीज़ों से आराम हो रहा हो, और जो गैस निकल रही है, डकार आ रहा है, उससे पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे जगहों पे मैकफॉस को ट्राई करेंगे, ठीक है। आप कहोगे पेट दर्द में उतना अच्छा नहीं काम करता साहब, आप पोटेंसी का हो सकता है सिलेक्शन गलत करते हो, बहुत भयंकर अगर सीवियर कोलिक है एक्यूट केस में, तो आप हाई पोटेंसी का ट्राई करिए, 1 mm की तरफ जाके देखिए, फिर देखिए आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। खैर पोटेंसी का खेल जो है, इसकी भी एक अलग वीडियो डाली गई है, सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी, ऑर्गेनॉन के टॉपिक में आप जाके देख सकते हो कि कैसे पोटेंसी का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल कोलिक, मेम्ब्रेनस डिसमिनोरिया, आपको पता है कि मेंसेस के में प्रेशर से, गर्म चीज़ों से आराम होता है, क्रैम्प्स लगता है, एंटी स्पाजमेटिक ड्रग्स है ही है, तो ऐसे जगहों पे आप ज़रूर जो है मैकफॉस को ट्राई करिए। क्रैम्प्स इन काफ, काफ मसल्स में क्रैम्प्स लगता है, अगर काफ मसल्स में पेन हो रहा हो तो एक थेरेप्स दवा मैं बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करती है, लोलियम, जाके पढ़िएगा आप कहाँ मिलेगी ये मेडिसिन, अब आपकी हेडेक है, लोलियम, ठीक है। सियाटिका, फीट वेरी टेंडर, राइट साइडेड सियाटिका होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ट्विचिंग हो सकता है, राइटर्स एंड पैरालिसर प्लेयर्स क्रैम्प, राइटर एंड प्लेयर क्रैम्प्स में आप यूज कर सकते हो, टिटैनिक स्पाज में भी आप मैकफॉस को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, प्लेयर क्रैम्प्स हैं, राइटर क्रैम्प्स हैं, बहुत देर से लिख रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, या फिर खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जिसके वजह से क्रैम्प्स लग रहा हो, तो वहाँ मैकफॉस आप यूज कर सकते हो। क्रैम्प्स अगर जहाँ भी वर्ड खिंचाव या क्रैम्प्स टाइप का बताता है, तो मैकफॉस तुरंत दिमाग में आता है। लोग कहते हैं मैं बाल्टी उठाने के लिए झुकी और एकदम से कमर दर्द होने लगा, एकदम से खिंचाव हो रहा है या कट से आवाज़ आई, वहाँ एकदम से दर्द होने लगा, वहाँ पर भी मैकफॉस अच्छा काम करती है, ठीक है। तो ऐसे जगहों पर भी आप मैकफॉस ट्राई कर सकते हैं। क्रैम्प्स इन काफ, सियाटिक, फिट, टेंडर्स, ट्विचिंग, राइटर्स एंड प्लेयर क्रैम्प्स, ठीक है। और वो जो मैंने बताया उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी मोडलिटीज की अगर हम बात करें, तो मोडलिटीज में आपको पता ही है कि सारी दिक्कतें जो है राइट साइड की होंगी, मोस्टली कोल्ड से, टच से, रात में एग्रेवेट होगी, और बेटर बाई गर्म चीज़ें, वॉर्म्स, बेंडिंग डबल, प्रेशर एंड फ्रिक्शन, प्रेशर से भी आराम मिलेगा, रगड़ने से, रबिंग से भी आराम मिलेगा, गर्म चीज़ों से और बेंडिंग डबल से भी आराम मिलेगा, लेकिन एवरीथिंग इज एग्रेवेटेड बाय कोल्ड टच। हेडेक है, सिलिसिया की तरह है, उसको बांध के रखता है तो उससे उसको आराम मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैकफॉस पे वीडियो रही, एक और मेडिसिन बचती है मैकसल्फ, इसका भी वीडियो हम बना देंगे, ये खास करके कम्बिनेशन पे चलेगी, मैग्नीशियम और सल्फर के कम्बिनेशन पे, फिर मैक ग्रुप पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप इसका नोट्स बनाइए,
और समझने की कोशिश करिए कि मैक ग्रुप कब हम सोचेंगे, क्या चीज़ें उसमें मिलेगी, क्या चीज़ कॉलिंग होगी, तो हम मैक ग्रुप सोचेंगे। फिर ऐसे ही मैं किसी और ग्रुप की मेडिसिन को मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पढ़ते रहिए आप लोग, कुछ है नहीं इसमें, मेडिसिन को समझ के पढ़िए, अपने डेली रूटीन में लाइए मेडिसिन को, ठीक है। खेल ले हो, कोई पट्टी बांध के आ रहा, यानी गर्म चीज़ें, अच्छा तुम मैक फॉस सोच सकते हो उसको। इस तरह से आप पढ़ेंगे मेडिसिन तो आपको याद होगा, पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर कभी नहीं याद होगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।